गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का चौथा लेक्चर है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैट्रिक्स के पहले तीन लेक्चर को देख लीजिए। प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ अदर्स। हम लोग आज पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ मैट्रिक्स। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एडिशन से, यानी सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं एडिशन। एडिशन यानी दो मैट्रिक्स का एडिशन। तो ध्यान दीजिएगा, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। एडिशन के लिए थ्योरी है, इफ ए एंड बी बी द टू मैट्रिसेज, बी द टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी इज डिफाइंड, ए प्लस बी इज डिफाइंड। यानी पहला बात आप ये सीखें कि दो मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइंड कब होगा। तो कोई दो मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइंड तब होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए। तीन मैट्रिक्स को ऐड करना है तो तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, चार को ऐड करना है चारों का ऑर्डर सेम होनी चाहिए। यानी एडिशन इज ऑलवेज यूज्ड विथ सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज। एडिशन हमेशा यूज होता है सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के साथ। यानी दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब है हाउ कैन बी ऐड, तो टू ऐड, टू मतलब वर्ब का पहला रूप लगाया गया है, टू ऐड द टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर बी ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ओनली, बी ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ओनली। इसका मतलब क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब हो गया जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर जुड़ना है। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए जिसका एलिमेंट है ए आई जे और इसका ऑर्डर है एम बाई एन, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है बी आई जे और इसका भी ऑर्डर है एम बाई एन। तो इसका मतलब हो गया ए प्लस बी बराबर दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, और इनका भी ऑर्डर हो जाएगा एम बाई एन। यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो बस ये ध्यान देना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होनी चाहिए, और ऑर्डर जब सेम होगा तभी हम उसके एलिमेंट को जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 5 6 7 8 और कहेगा इसका सम निकालिए, तो इसका मतलब इसका सम नॉट डिफाइंड, इसका सम डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर है 2 बाई 2 और इसका ऑर्डर है 2 बाई 3, ये दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। यानी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो ये ज़रूरी है कि उसका ऑर्डर सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा रहता मैट्रिक्स आपका, मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से होता, जैसे मान लीजिए आपको ऐड करना है 1 2 3 4 और इसको ऐड करना है 5 6 7 8 के साथ, तो इसका सम क्या मिल जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर जोड़ देना, ऐड कर देना है। जैसे 1 है तो ये हो गया A11, तो यहाँ भी जुटेगा A11 से ही, तो 1 और 5 ऐड हो जाएगा यानी 6। फिर ये 2 और 6 ऐड होगा यानी 8। फिर क्या होगा ऐड, 3 और 7, तो क्या मिलेगा 10। अब क्या होगा 4 और 8, तो 4 और 8 क्या हो जाएगा 12। समझ गए, जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है 1 5 -2 3 और ऐड करना है हमको -1 -5 2 और 3, तो इसको ऐड करेंगे तो देखिए जहाँ एलिमेंट है उसी पोजीशन से वो ऐड होगा। 1 को -1 से ऐड करेंगे 0, 5 को -5 से ऐड करेंगे 0, -2 को 2 से ऐड करेंगे 0,
थ्री को थ्री से ऐड करेंगे सिक्स। ये हो गया आपका एडिशन। किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़ना हो बिल्कुल हम लोग इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं। बस यही ध्यान देना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होनी चाहिए। अगर ऑर्डर सेम रहेगा तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। पूरा नोट्स बनाते चलिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स के एडिशन का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। एडिशन हम लोग समझ लिए, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। दो मैट्रिक्स का एडिशन तब और केवल तब डिफाइंड है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए। जब ऑर्डर सेम रहेगा तभी हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, मतलब जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कॉमुटेटिव लॉ। कॉमुटेटिव लॉ इसको बोलते हैं क्रमविनिमेय नियम, यानी मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कॉमुटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है यानी एम रो और एन कॉलम है ए का भी, और बी भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम बाई एन, तो ऐसे स्थिति में आप ए प्लस बी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं बी प्लस ए। ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ तीन के साथ यूज होता है। मान लीजिए कि तीन मैट्रिक्स है, ए जिसका ऑर्डर है एम बाई एन, एक मैट्रिक्स है बी जिसका भी ऑर्डर है एम बाई एन, और एक मैट्रिक्स है सी इनका भी ऑर्डर है एम बाई एन, यानी तीन मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। तब ऐसे सिचुएशन में आप ए प्लस बी प्लस सी को लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी के साथ। एसोसिएटिव मतलब होता है साथ साथ, किसी दो मैट्रिक्स को जोड़ करके तीसरे के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ ए प्लस बी को पहले ऐड किया और उसमें फिर सी को ऐड किया, या बी प्लस सी में ए को ऐड किया, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी ये हर जगह यूज होता है, वेक्टर में, कम्प्लेक्स नंबर में, हर जगह। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी नंबर में आप ऐसे चीज़ को जोड़िए जो रिजल्ट को प्रभावित ना करे। तो जिस चीज़ को जोड़ा गया उसी को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये नंबर में हो जाता है जीरो, कम्प्लेक्स नंबर में भी हो जाता है जीरो, वेक्टर में भी हो जाता है जीरो वेक्टर, और यहाँ मैट्रिक्स में भी हो जाता है नल में, नल मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर आप जीरो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ जीरो संख्या नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो है। तो किसी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। तो यहाँ जीरो मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा सकता है 12 में कि एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में किस मैट्रिक्स को जाना जाता है, तो नल मैट्रिक्स को। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स इज यूज्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स। व्हाई? बिकॉज ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू होता है ए। चौथा प्रॉपर्टीज है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये नंबर में भी लागू होता है। जैसे मान लीजिए 2 एक नंबर है, तो एक ऐसे नंबर को जोड़िए जो रिजल्ट को जीरो कर दे, तो हो गया -2। तो जिसको जोड़ा गया इसी को कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। यानी एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर है जिसको दिए हुए नंबर में ऐड करते हैं तो वो रिजल्ट को जीरो में कन्वर्ट कर देता है। तो मैट्रिक्स में भी, वेक्टर में भी, कम्प्लेक्स नंबर में भी, हर जगह पर एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है। किसी मैट्रिक्स में कोई ऐसे मैट्रिक्स को जोड़ दें जिसको जोड़ने पर जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स।
यानी ए में अगर माइनस ए को जोड़ दिया जाए तो जीरो मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, जीरो इज नॉट अ नंबर, जीरो इज अ मैट्रिक्स, इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि फॉर ईच एंड एवरी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो। हेयर जीरो इज नॉट अ नंबर, हेयर जीरो इज ए मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज में हम लोग देख लिए, पहला कॉमुटेटिव ला, दूसरा हो गया एसोसिएटिव ला, तीसरा हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और चौथा हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अब पांचवा कैरेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। पांचवा कैरेक्टर है, प्रॉपर्टीज है कैंसिलेशन। ध्यान दीजिएगा, कैंसिलेशन यानी लुप्तीकरण यानी काटना। कैंसिलेशन लॉज होल्ड गुड विथ एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, विथ एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, यानी मैट्रिक्स के जोड़ में कैंसिलेशन यूज होता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, इफ ये सवाल बनाने में काम आएगा, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। इफ ए बी सी वी एनी मैट्रिसेज या वी एनी थ्री मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर क्यों लिखा गया? क्योंकि एडिशन तभी डिफाइंड होगा जब ऑर्डर सेम हो जाए। वी सेम ऑर्डर थ्री मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर देन, अगर ऐसा लिखा हुआ रहे ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, तो इसका मतलब होगा बी इज इक्वल्स टू सी, यानी ए को आप कैंसिल कर सकते हैं। यही हम बताना चाह रहे हैं, इसको कहेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन, यानी लेफ्ट वाला नंबर कट गया। अगर इस प्रकार से रहे बी प्लस ए इज इक्वल्स टू, यदि गिवन हो, यदि बी प्लस ए इज इक्वल्स टू सी प्लस ए, तो ए और ए काट सकते हैं, इसका मतलब फिर से हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू सी। यानी मैट्रिक्स के एडिशन में कैंसिलेशन होता है। अगर ए बी सी तीन मैट्रिक्स है और तीनों का ऑर्डर सेम है और लिखा हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, तो आप ऐसी परिस्थिति में ए से ए काट सकते हैं, ए से ए काट सकते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को आप लिख सकते हैं। आइए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कुछ सवाल देखते हैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 में है। अभी एक्सरसाइज 3.2 पूरा मत बताइए, बनाइएगा, हम पढ़ा बता रहे हैं कि कंसेप्ट क्लियर हो, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स को देखते जाते हैं, साथ ही साथ देखते जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो एक्सरसाइज 3.2 का है, एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का सवाल नंबर 1 है। सवाल कहता है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू 2, 4 एंड 3, 2, और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, बी इज इक्वल्स टू है 1, 3, -2 और 5। हमको निकालना है ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप बुक से बनाइएगा प्रॉब्लम्स तो आपको इस प्रॉब्लम में 3-4 और ब्रांच मिलेंगे, जैसे ए इंटू बी निकालना है, तो वो तो अभी हम पढ़े नहीं है, आज हम लोग सिर्फ एडिशन पढ़ रहे हैं, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन भी पढ़ रहे हैं। तो ए प्लस बी निकालने के लिए पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों का एडिशन संभव है, तो हाँ बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो जब ऑर्डर सेम है तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, 4 और 3 हो जाएगा 7, 3 और -2 हो जाएगा 1, 2 और 5 हो जाएगा 7। समझ रहे हैं बात? बहुत ही आसान है, बस एक बार मन से देख लेने की आवश्यकता है, और कुछ नहीं है, एकदम सा सिंपल है, आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे एक सवाल और है इसी में, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है, करा एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इसको जोड़ना है एक मैट्रिक्स के साथ जिसका एलिमेंट है आर वन में टू ए बी टू बी सी, फिर है आर टू में माइनस टू ए सी और माइनस टू ए बी, इनको जोड़ना है, ऐड करना है। तो आपको पहले हम क्या बताएं, दोनों का ऑर्डर से देख लीजिए, अगर ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दीजिए। देखिए इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ये टू बाई टू है, ये भी टू बाई टू है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या जोड़िएगा, टू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में क्या ऐड हो जाएगा, टू बी सी, तो इसको क्या कहते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में क्या ऐड हो जाएगा, माइनस टू ए सी, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ऐड करेंगे माइनस टू ए बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और भी एक सवाल देखिए, एक सवाल है दो का टू का फोर नंबर, टू का फोर नंबर क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर है साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ऐड करना है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर आर टू में एलिमेंट है कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। देखिए एडिशन से दो नंबर का सवाल शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा जरा, आसान तो है ही। देखिए सेकंड ये टू बाई टू ऑर्डर का है, ये भी टू बाई टू ऑर्डर का है, तो एडिशन हो जाएगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, यानी कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वन, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से तो वन, फिर साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ साइन स्क्वायर एक्स, यानी वन। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे, हम लोग ने पढ़ा एडिशन और इसका प्रॉपर्टीज और उस पर आधारित हम लोग कुछ सवाल कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी कुछ और सवाल देख लेते हैं एडिशन का। जैसे मान लीजिए हमको एक सवाल बनाना है 3.2 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 7 है, 3.2 का ही क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 7 0 2 5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 0 0 3। सवाल कहता है कि फाइंड x एंड y, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में, ज़्यादा बिहार बोर्ड में भी पूछता है, किसी भी बोर्ड में पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, ये x प्लस वाई मैट्रिक्स है, x माइनस वाई मैट्रिक्स है, आपको x और y निकाल लेना है। तो सिंपल कैलकुलेशन जैसे करते हैं आप ऐसा कीजिए, देखिए x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, आप इसको मान लीजिए इक्वेशन वन, इसको मान लीजिए इक्वेशन टू और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, वन प्लस टू कर दीजिए, तो देखिए y और y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x और x क्या हो जाएगा, टू एक्स, टू एक्स यानी ऐड कर रहे हैं। तो देखिए इस दो मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, ये 7 है और ये 3 है, तो 7 और 3 10, यहाँ 0 है और यह 0 है तो ये 0, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, ये 2x हो गया। तो एक एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, यानी सभी एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 0 1 4। यहाँ एक चीज़ समझिएगा बात को, डिटर्मिनांट में भाग करना रहता था या गुना करना रहता था तो हम एक ही रो या एक ही कॉलम में बात करते थे, लेकिन जब मैट्रिक्स की बात आ जाए तो मैट्रिक्स में एडिशन ये मल्टीप्लिकेशन करना हो तो सभी एलिमेंट में करना होगा, डिवीजन करना है तो सभी एलिमेंट में करना होगा। जैसे यहाँ हम 2 से डिवाइड किए लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ x बच गया, तो राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड किए, यानी प्रत्येक एलिमेंट में हमने 2 से डिवाइड किया, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5, 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0, 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4, तो ये आपका x का आंसर मिल गया। इसी प्रकार से आप y का भी आंसर निकाल सकते हैं, y का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब की बार x को कैंसिल कर देते हैं यानी माइनस कर देते हैं, वन माइनस टू कर देते हैं, तो देखिए माइनस कीजिएगा तो x और x कैंसिल हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव,
तो बाई और बाई मिलकर के क्या हो जाएगा, टू बाई, ये देखिए हो जाएगा टू बाई। अब क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ ही लेते हैं तब उसको बताते हैं। एडिशन जब पढ़ लिए तो सब्ट्रैक्शन में कुछ है ही नहीं, इसको अलग से टॉपिक लिखा भी नहीं जाना चाहिए, बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी तभी डिफाइंड होता है जब सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, यानी सेम ऑर्डर होनी चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो रूल एडिशन का है वही रूल सब्ट्रैक्शन का, यानी सब्ट्रैक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ओनली, सब्ट्रैक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ओनली, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ओनली, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ओनली, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे सेवन में थ्री ऐड किए थे तो टेन हुआ था, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेवन माइनस थ्री फोर होगा, यहाँ हम लोग लिख देते हैं फोर, पहला एलिमेंट, यानी टू बाई बराबर, ये बीच में सब्ट्रैक्शन आ गया था। एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो हमको बीच में बताना पड़ गया कि ऐसा नहीं कि सब्ट्रैक्शन का मतलब आप कुछ और अर्थ निकाल लीजिए, जैसा एडिशन होता है वैसा ही सब्ट्रैक्शन होता है, यानी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको ध्यान देना होगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं, और जब सेम है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो सेवन माइनस थ्री हो गया फोर, फिर देखिए जीरो माइनस जीरो क्या मिलेगा, जीरो, यहाँ हमने लिख दिया जीरो, और देखिए यहाँ टू माइनस जीरो क्या हो जाएगा, टू, और देखिए फाइव माइनस थ्री करेंगे तो क्या मिलेगा, टू, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर टू से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा टू जीरो वन वन, यानी x और y दोनों आपको मिल गया। एक सवाल होमवर्क ले लीजिए इस पर, क्वेश्चन है टू एक्स प्लस थ्री बाई इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है टू थ्री फोर जीरो, फिर है थ्री एक्स प्लस टू बाई इज इक्वल्स टू टू माइनस टू माइनस वन और फाइव, कर आप फाइंड कीजिए एक्स एंड बाई, एक्स और बाई को फाइंड करना है। फिर इस सवाल को हम बताएंगे भी, कल इस सवाल को बताएंगे, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज हम लोगों ने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कल पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स पूरा का पूरा बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन पर। तो आज इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।